हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं जो जानकारी आपको बताना चाहता हूं वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आईफोन को यूज़ करते हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं 3D टच और हैप्टिक टच के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, 6S से ऊपर जो भी मॉडल है XS तक, उनमें एप्पल ने प्रोवाइड किया एक अपडेट में 3D टच का ऑप्शन, और जो डिफरेंट था वो है एक हैप्टिक टच जो कि आपको देखने को मिलेगा आईफोन XR में, और जो अभी सेट रिलीज की है एप्पल ने आईफोन 11, 11 प्रो और प्रो मैक्स में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हैप्टिक टच अच्छी है या फिर 3D टच में आपको देखने को ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 3D टच और हैप्टिक टच के बारे में। चलिए, एक तरफ है हमारा आईफोन XR जिसमें 3D टच की जगह हैप्टिक टच देखने को मिलती है, और आईफोन 7 है दूसरी तरफ जिसमें हमें 3D टच देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं हैप्टिक टच में क्या फ़र्क है इतना और 3D टच में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों चलो, सबसे पहले हम ऑप्शन निकालते हैं जहाँ पे हमें हैप्टिक टच देखने को मिलती है। पहले हमें ऑप्शन देखने को मिलता था सेटिंग में जाकर, तो जनरल में पहले हम जाते थे उसमें, उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता था एसेसबिलिटी का, लेकिन जब से अपडेट आई है तब से इन्होंने एसेसबिलिटी का ऑप्शन बाहर ही दे रखा है। और ऐसा ही आईफोन 7 में भी था जो अपडेट आई है 13 की, तो उसमें हैप्टिक टच का ऑप्शन या 3D टच का ऑप्शन हमें सेटिंग में एसेसबिलिटी के ऑप्शन में ही बाहर ही देखने को मिला। एसेसबिलिटी के अंदर हमारा ऑप्शन मिलता है टच का, तो टच के अंदर हमें मिल रहा है हैप्टिक टच। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हैप्टिक टच जो होती है वो हमारा टाइम मेजरमेंट करती है, जैसे हमने टच किया तो कितने टाइम तक हम इसके ऊपर प्रेस करके रखें। और आईफोन 7 में जो 3D टच है उसके साथ अपडेट के बाद इन्होंने हैप्टिक टच भी इंक्लूड किया, जैसा आप देख रहे हैं 3D टच एंड हैप्टिक टच। तो 3D टच में क्या होता है, हमें प्रेस करना होता है स्क्रीन के ऊपर, जैसे 3D टच में हमें प्रेस करने के बाद 3D टच देखने को मिलती है, जबकि हैप्टिक टच में ऐसा नहीं है, वो हमारा टाइम मेजरमेंट करता है। जैसे हम फिंगर या थंब कोई भी स्क्रीन पर टच करते हैं तो ये टाइम को मेजर करता है, जबकि 3D टच में ये हमें कितनी देर तक स्क्रीन को प्रेस किया तो उसको मेजर करता है। तो आईफोन 7 में जहाँ मैंने थंब रखा हुआ है तो वहाँ मैं हल्का सा प्रेस करता हूँ तो हमारा 3D टच वर्क करने लगता है और हमारी रिसेंट ऐप देखने को हमें मिलती है। तो अगर हम इसको स्लाइड करते हैं एक साइड से दूसरे साइड तक तो हमें रिसेंट ऐप देखने को मिलती है, प्रीवियस ऐप जो हमने ओपन की हुई थी। तो ये प्रेस करने से होता है, जबकि आप हमें हैप्टिक टच में ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो 3D टच में हम साइड से स्क्रीन को प्रेस करने के बाद रिसेट ऐप को देख सकते हैं, जबकि हैप्टिक टच में ऐसा नहीं। दोस्तों आपको 3D टच और हैप्टिक टच का एक और कंपैरिजन मैं दिखाता हूं। तो आईफोन 7 में जो मेरे स्क्रीन पे आपको मैसेज दिख रहा होगा, तो जैसे ही इस मैसेज को मैं सेंड करता हूं आईफोन XR पर, तो जैसे ही स्क्रीन पर मैसेज आता है लॉक स्क्रीन है, तो उस पर मैंने जैसे ही टच किया तो ओनली आईफोन XR में हैप्टिक टच ने ओनली टाइम को ही सेंस किया है। तो जैसे ही मैंने आईफोन XR पे जो मैसेज था उसको रिप्लाई किया, तब आईफोन 7 पे ये मैसेज आता है। तो दोस्तों जैसे मैंने रिप्लाई किया तो मैंने टच किया तो डायरेक्ट परमिशन ली है आईफोन 7 में 3D टच में मैसेज ओपन करने के लिए, अदरवाइज मैं प्रेस करता हूँ तो डायरेक्ट रिप्लाई का लिंक ओपन हो जाता है। तो ये था डिफरेंस 3D टच में प्रेस करने के बाद और हैप्टिक टच में ओनली टच पे टाइम सेंस करने के बाद। और एक बात दोस्तों मैं बता दूं, जो आईफोन को जो XR का जो कंट्रोल सेंटर है वो राइट साइड से टॉप में, यहाँ से डाउन करने के बाद ही ओपन होता है, और जो नोटिफिकेशन है वो लेफ्ट साइड से डाउन करने के बाद ओपन होता है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 3D टच के साथ हैप्टिक टच भी प्रोवाइड की है अपडेट के बाद, तो वो कंट्रोल सेंटर में हमें देखने को मिलती है। जैसे ही मैं टाइम टच करता हूँ तो ये टाइम को सेंस करता है, वो 3D टच वर्क करती है। तो दरअसल ये लॉक स्क्रीन पे ऐसा काम नहीं करती है 3D टच, और हैप्टिक टच है वो लॉक स्क्रीन पर भी काम करती है। तो दोस्तों आप एक बात तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि भी आईफोन 7 में जो 3D टच है उसमें हमें साइड से प्रेस करने को रिसेंट ऐप भी देखने को मिलती हैं और ये ऑप्शन हमें ज़्यादा बेटर भी देखने को मिलता है। तो मैं आपको ये बता दूँ, ऐसा आईफोन XR में भी है। तो दोस्तों आईफोन XR में ऐसा करने के लिए हमें रिसेंट ऐप देखने के लिए नीचे से हमें स्लाइड करना होता है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ना ही हमें इसमें 3D टच की ज़्यादा ज़रूरत है, ना ही डिस्प्ले पे हमें प्रेस करने की ज़रूरत है, और ना ही हमें होम बटन पे डबल क्लिक करने की ज़रूरत है। तो हम ये भी सोच रहे होंगे कि हम प्रीवियस ऐप पर कैसे जाएँ। तो प्रीवियस ऐप के लिए दोस्तों हमें नीचे की तरफ ही राइट साइड में स्लाइड कर देना है,
जैसे लास्ट ऐप आपने देखनी खुल चुके कैलेंडर है, ऐसे ही हमें स्लाइड करना है जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर उससे बैक साइड जाना तो हमें लेफ्ट साइड में स्लाइड करना है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, हम प्रीवियस ऐप भी ओपन कर सकते हैं और अगर रीसेंट ऐप क्लोज करनी है तो हमें सेंटर की तरफ स्लाइड कर देना है। तो ये सब हम आईफोन XR में हैप्टिक टच में कर सकते हैं। तो जो फंक्शन 3D टच में था प्रेस के बाद रीसेंट ऐप हमें देखने को मिलते थे, तो हमें आईफोन XR में हैप्टिक टच में भी हमें देखने को मिलती है। तो हैप्टिक टच टाइम सेंस करता है और 3D टच में हमें प्रेसिंग सेंस देखने को मिलता है। जैसा कि आपने देखा हैप्टिक टच के बारे में और 3D टच के बारे में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा हैप्टिक टच का ऑप्शन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 3D टच का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो है ज़्यादा स्पेस कवर करने का। जो एप्पल ने जो बात बताई है, जो न्यूज़ एप्पल से निकल कर आई है, वो है 3D टच है जो ज़्यादा स्पेस कवर करती है, और जो हैप्टिक टच है वो कम स्पेस कवर करती है। तो हैप्टिक टच और 3D टच में जो स्पेस मेंटेन करने के लिए बचा हुआ है वो उन्होंने बैटरी इम्प्रूवमेंट में लगाया है। आईफोन XR में हमें बैटरी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलती है और हैप्टिक टच 2 की जो कि 3D टच का एक एडवांस फीचर है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरी तो राय यही है कि हैप्टिक टच एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो 3D टच में हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा बेहतर हम हैप्टिक टच में कर सकते हैं। आईफोन XR और 11 सीरीज़ के जो फ़ोन है वही फ़ोन है जिसमें हैप्टिक टच प्रोवाइड होता है। अदरवाइज कोई भी मॉडल है, आईफोन XS या XS Max है जो टॉप मॉडल आईफोन के भी, उनमें भी 3D टच प्लस में हैप्टिक टच का ही ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो हैप्टिक टच के बारे में और 3D टच के कंपेरिजन में। तो दोस्तों मुझे हैप्टिक टच का ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगा। आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा, हैप्टिक टच या 3D टच, वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो लगी तो आप इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।